नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एंजॉय द मॉनसून विद माइलेज रेनवियर एंड फील द डिफरेंस। प्रोडक्ट बाई हाजरा प्लास्टिक, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, रेनवियर एंड विंटरवियर, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बोले, लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो खतरा बढ़ना तय। 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका, डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे, रफ्तार पड़ी बेहद सुस्त। आज मिले 349 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 4000 से नीचे। दरभंगा में आज मिले 17 नए मरीज। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत दिघरा गांव में डूबने से 40 साल के व्यक्ति की मृत्यु। शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर हुई बैठक, नाला उड़ाही का कार्य जल्द पूर्ण करने का डीएम ने दिया आदेश। संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग का हुआ लोकार्पण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल के +2 सती उच्च विद्यालय पर्री का किया निरीक्षण, कुव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और 10 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरिया सराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023, क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, संपर्क 0627225408, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। और समाचार विस्तार के साथ। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बोले, लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो खतरा बढ़ना तय। क्या आएगी कोरोना की तीसरी लहर? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया है कोरोना को लेकर एक बड़ा बयान। डॉक्टर गुलेरिया ने स्पष्ट रूप से चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है, जैसी कि पहले ही आशंकाओं में यह जताया गया था कि जुलाई में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। और डॉक्टर गुलेरिया की बातें इस संभावना को बल भी देती हैं, और अगर तीसरी लहर आती है तो अभी से इसकी भावनाओं को लेकर उससे निपटने की जबरदस्त रूप में तैयारी सरकार को करनी होगी। एम्स के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इससे मुश्किल भरे हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आगे एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में देश आ सकता है। सरकार को भी डॉक्टर गुलेरिया की बातों पर
तुरंत ध्यान देना होगा। हमें आपको सबको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क जरूर लगाइए, कहीं भी निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हर हाल में रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए ख्याल, क्योंकि कोरोना को देश जितना झेल चुका है अब और झेलना बहुत मुश्किल होगा। 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका, दरभंगा में भी डीएम ने की बैठक। टीकाकरण को लेकर डीएम ने की बैठक, 6 महीनों में लगेगा 6 करोड़ लोगों को टीका। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार दरभंगा में टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 21 जून 2021 को इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तदनुसार जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देश किया गया कि 21 एवं 22 जून को इस अभियान को विशेष रूप से सफल बनाने हेतु संपूर्ण क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराएंगे एवं इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर टीकाकरण स्थल चिन्हित करने, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित कराने को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि 21 जून 2021 को आयोजित मुख्यमंत्री के संबोधन को 4:00 से 4:45 तक उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों, जीविका दीदियों को भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी 21 जून को अपने अपने आवंटित प्रखंड में भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनाने को निर्देशित किया गया। बिहार में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे, रफ्तार बेहद सुस्त पड़ी। आज मिले 349 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 4000 से कम। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से जा रहा नीचे, रफ्तार पड़ी सुस्त। आज मिले 349 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस की संख्या भी 4000 से नीचे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, रफ्तार इसकी बिल्कुल सुस्त पड़ गई है। आज कुल 349 नए मरीज मिले हैं पूरे बिहार में एक दिन में। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 3395 पर आ गया है। सबसे अधिक पटना में 44, अररिया में 13, बांका में 3, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 4, भोजपुर में 1, बक्सर में 2, दरभंगा में 17, पूर्वी चंपारण में 14, गया में 12, गोपालगंज में 28, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कैमूर में 2, कटिहार में 13, खगड़िया में 4, किशनगंज में 9, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 3, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 9, नवादा में 5, पूर्णिया में 20, रोहतास में 4, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 19, सारण में 12, शेखपुरा में 4, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 9, सुपौल में 21, वैशाली में 13 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 2 रही है। दरभंगा में 17 नए मरीज मिले हैं कोरोना के आज। दरभंगा में आज मिले 17 नए पॉजिटिव केस। कोरोना की रफ्तार तो पड़ी धीमी, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में आज कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है, हालांकि रफ्तार इसकी सुस्त पड़ी है, लेकिन सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल, तभी शून्य पर आ सकेगा यह आंकड़ा। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत दिघरा गाँव में डूबने से 40 साल के व्यक्ति की मृत्यु। शनिवार को दरभंगा के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत बसहा मिर्जापुर पंचायत के दिघरा गांव में 40 साल के एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान स्वर्गीय सीताराम साहनी के पुत्र दिलचंद साहनी के तौर पर हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार दिलचंद साहनी शुक्रवार की शाम को ही शौच के लिए निकला था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। ग्रामीणों द्वारा रात भर उन्हें खोजने का प्रयास किया गया। सुबह होने के बाद गाँव में ही जेसीबी द्वारा खोदे गए गड्ढे के पानी से उसकी लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अशोक पेपरमिल थाने की पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस की उपस्थिति में ग्रामीणों ने लाश को पानी से निकाला। पुलिस द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताते चलें, दिलचंद मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था और एकमात्र कमाऊ व्यक्ति था अपने परिवार का। घटना के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमरा कोई नहीं, सास ने, ससुर ने, भैंसुर कोई नहीं, न बालक बच्चा के देखे वाला, दूरिया बाल बच्चा के देख, पूरा खोज लिए, जाउत के लोग बेटा आर के लोग सौंसे टोरस से इधर उधर गाछी आर में खोज के
नहीं भेटा तब सुबेर में उधर गया तब भेटा लहास। शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर हुई बैठक, नाला उड़ाही का कार्य जल्द पूर्ण करने का डीएम ने दिया आदेश। शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर हुई बैठक, नाला उड़ाही का कार्य जल्द पूर्ण करें, बोले डीएम। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार दरभंगा में दरभंगा शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त रखने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी की उपस्थिति में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। नगर विधायक द्वारा अनुरोध किया गया कि शहरी क्षेत्र के बड़े बड़े नाले जिनका लिंक कमला नदी से है, उनकी सफाई जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराने हेतु सरकार से अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जिन नालों की सफाई का काम किया जा रहा है उसे लगातार जारी रखा जाए। जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराए जा रहे नाला उड़ाही कार्य में अतिक्रमण के कारण उत्पन्न कठिनाई से अवगत कराते हुए कार्यकारी एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अतिक्रमण खाली करवाने का निर्देश दिया गया। सफाई कार्य में बिजली के तार से हो रही कठिनाई को भी ठीक करवाने का बिजली विभाग को निर्देश दिया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग का हुआ लोकार्पण। संस्कृत विश्वविद्यालय पंचांग का हुआ विमोचन। मिथिलांचल समेत पूरे देश में विशेष स्थान रखने वाला कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्वविद्यालय पंचांग का आज कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के साथ कई विद्वानों ने विमोचन किया। पुराने पंचांग की काल अवधि इसी जुलाई में 24 तारीख को समाप्त हो रही है। इस तरह विक्रम संवत 2078-79, शकाब्द 1943-44 और अंग्रेजी वर्ष 21-22 के लिए समय पूर्व प्रकाशित यह पंचांग आगामी 25 जुलाई से 13 जून 2022 तक के लिए प्रभावित होगा। विमोचन से विद्वानों में खुशी है। एवं सांस्कृतिक जे धरोहर हमर सब के विश्वविद्यालय पंचांग जे लका एकर ख्याति देश विदेश से लका अपना क्षेत्र गांव गांव एकर अछि। आइ विश्वविद्यालय पंचांग के आइ छेद कहल गेल बड़ा हर्ष के विषय ठीक एकर आई विमोचन थिक और सब इनका संवेद छी हमरा लोकन। ई विश्वविद्यालय पंचांग 1978-79 से लगातार चल रहल है और सभागाछी में पहुंचल जाय छल। बाद में किछ व्यतिक्रम भ गेलै और विलंब से होमय लगलै। हम जहन एलौ त सबसे पहिने एकर संपादक निर्देशक जे छथि आचार्य रामचंद्र झा जी हुनका से परामर्श केलौं और योजना बनौलौं जे ई समय पर भ जाय, समय से पहिने भ जाय, जिससे कि हमर हैत। और सबके जतेक एकर पदाधिकारी छथि सबके बजौलियनि, रजिस्ट्रार साहब छथि और एकर जतेक छथि जे सब सहयोग करै जाउ ई समय पर होय। एक गोटा की काज नहि छै, कुलपति चिचियाइत रहि जता समय पर नहि है, लेकिन सभाक सहयोग जहन होइ छै एक एक व्यक्ति के इमे जतेक कर्मचारी छथि, जतेक पदाधिकारी छथि, जतेक प्रेस छै, प्रेस के छै असल में जे ओ काज करे शीघ्रता से, जे प्रेस के सेहो छै श्रमण प्रेस ई छपलक तऽ एहि प्रकार से करू। समय पर आबि गेल, बड़ा हर्ष के विषय आइ विमोचन भ रहल है। भारतीय पर्व तिहार संस्कृति सभ्यता ऐसा संबद्ध ओकर आधार पंचांग। पंचांग से भरि वर्षक जतेक कृत्य छै ओकर परिज्ञान होइ छै। संजोगवश विश्वविद्यालय से 44 वर्ष छै, 44 पंचांग निकलल, मुदा बीच में ई समय पर नहि आबि सकलै क्या बेर, ओहिसँ लोकके असुविधा भेलै। एहि बेर बड़ बढ़िआँ सँ समय ई आयल, ई प्रसन्नताक बात छी। एहि बेर पंचांग विवाहक दिन 53 अछि भरि वर्षमे, उपनयनक दिन 11 अछि, विरागमनक दिन 28, मुंडनक दिन 28, गृहारम्भक दिन 15 आ गृह प्रवेशक दिन 19 अछि। मुख्य जे छै तकर संख्या एतेक छै। आइ ई पतरा जे छै से विश्व में जेतै और प्रचार तऽ आधा भऽ गेलै। हम ओहि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सब सदस्य के धन्यवाद दै छै जे एहि धरोहर क्यों 2 दिन लए एगो पतरा निकालैए, क्यों 4 दिन लए पतरा निकालैए,
क्यों एक मास ला निकाले है, अनेक एना ही एले है एना ही जते से होम जना ही आंखि के पिपनी जे छे से आंखि के हरदम रक्षा करे छे से आई धरोहर हमर जे पत्रा हमर संस्कृत हमर संस्कृति तकरा रक्षार्थ के लेल आहां सब सदिखन तैयार रही। ऐसा एक टा खनीटा आधा मिनट में इतर कहे छी जै संस अने जकरा संस्कृत देव भाषा नहीं अबे वो अई धरती पर किछु ने छल जे ब्रह्मे के मस्तिष्क से निकल ले वेद। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी है, वक्त ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ, साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान, अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम, MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडी सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बोले, लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो खतरा बढ़ना तय। 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका, डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे, रफ्तार पड़ी बेहद सुस्त। आज मिले 349 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 4000 से नीचे। दरभंगा में आज मिले 17 नए मरीज। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत दिघरा गांव में डूबने से 40 साल के व्यक्ति की मृत्यु। शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर हुई बैठक, नाला उड़ाही का कार्य जल्द पूर्ण करने का डीएम ने दिया आदेश। संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग का हुआ लोकार्पण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल के +2 सती उच्च विद्यालय पर्री का किया निरीक्षण, कुव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और 10 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल के +2 सती उच्च विद्यालय पर्री का किया निरीक्षण, कुव्यवस्थाओं पर जमकर जताई नाराजगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल प्रखंड अंतर्गत +2 सती उच्च विद्यालय पर्री का शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया तथा वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने विद्यालय की वर्तमान स्थिति को देख काफी आक्रोश व्यक्त किया और महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु निर्देशित किया। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति दी गई और लगभग 37 लाख रुपये की राशि भी निर्गत की गई। उन्होंने सभी विभागीय कार्य को पूर्ण करते हुए इस विद्यालय के भवन निर्माण कार्य को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विद्यालय के मैदान की दयनीय स्थिति को देखते हुए आक्रोश जताया तथा मैदान के जीर्णोद्धार हेतु अविलंब उपयुक्त कार्रवाई करने तथा शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय।
मिथिला विश्वविद्यालय के एक विद्वत परिषद की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में हुई। इसमें लगभग 36 सदस्य उपस्थित हुए। सर्वप्रथम पिछली बैठक 9 दिसंबर के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के आलोक में यूजीसी एवं पीजी के मॉक्स कोर्सेज के लिए स्वयं कोर्सेज को जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच चलाए जाने पर सहमति बनी। इसके आधार पर छात्र छात्राओं को क्रेडिट ट्रांसफर करने पर भी सहमति प्रदान की गई। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु विभागाध्यक्षों से प्राप्त पैनल को अनुमोदित किया गया। परीक्षा विभाग में उपलब्ध पुराने सारणीयन पंजी के डिजिटलाइजेशन हेतु परीक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया गया। एमए, एमकॉम एवं एमएसजी तथा एलएलबी, एमडीएस के मूल उपाधि के प्रारूप को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के दिवंगत होने की सूचना देते हुए कुलसचिव ने कुलपति एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शोक प्रकट किया। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर से दिवंगत हुए कर्मचारियों के पाल्यों को जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने पर आवश्यक प्रक्रिया कर अनुकंपा पर नियुक्ति किए जाने की जानकारी दी। साथ ही कर्मचारियों के सभी प्रकार के बकाया भुगतान जल्द से जल्द किए जाने का भी आश्वासन दिया। कुलपति द्वारा अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के हित में डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चैम्बर बनाए जाने की घोषणा की। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा, सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बोले, लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो खतरा बढ़ना तय। 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका, डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे, रफ्तार पड़ी बेहद सुस्त, आज मिले 349 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 4000 से नीचे। दरभंगा में आज मिले 17 नए मरीज। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत दिघरा गांव में डूबने से 40 साल के व्यक्ति की मृत्यु। शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर हुई बैठक, नाला उड़ाही का कार्य जल्द पूर्ण करने का डीएम ने दिया आदेश। संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग का हुआ लोकार्पण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल के +2 सती उच्च विद्यालय पर्री का किया निरीक्षण, कुव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और 10 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। 10 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौतों के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। 10 जुलाई को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 10 जुलाई 2021 शनिवार को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बिनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, यथा समनीय, कंपाउंडेबल, आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद, बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री हेल्पलाइन 1500 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु फोन नंबर 0627224011 पर संपर्क कर सकते हैं।
दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय औषधालय में शनिवार को पीएलवी प्रेमनाथ सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश दीपक कुमार को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उक्त औषधालय में प्रतिनियुक्त डॉक्टर श्रवण कुमार और एएनएम मंजू कुमारी द्वारा इलाज के बाद एक्सपायरी दवाएं रोगियों को देने एवं रखने की शिकायत की है। प्राधिकार के सचिव ने जाँच पड़ताल कर उक्त चिकित्सक एवं एएनएम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। शिकायतकर्ता श्री सिंह ने कहा है कि मैं अपना इलाज 19 जून 2021 को 11:45 बजे कराया, जिसमें मुझे डाइक्लोफिनेक जेल एवं मीकोनाजोल क्रीम दिया गया था, जिस पर एक्सपायरी डेट 4/21 एवं 5/21 अंकित है। ये जब तक के समाचार बिताएंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बोले, लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो खतरा बढ़ना तय। 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका, डीएम ने की बैठक। बिहार में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे, रफ्तार पड़ी बेहद सुस्त। आज मिले 349 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 4000 से नीचे। दरभंगा में आज मिले 17 नए मरीज। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत दिघरा गांव में डूबने से 40 साल के व्यक्ति की मृत्यु। शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर हुई बैठक, नाला उड़ाही का कार्य जल्द पूर्ण करने का डीएम ने दिया आदेश। संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग का हुआ लोकार्पण। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल के +2 सती उच्च विद्यालय पर्री का किया निरीक्षण, कुव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और 10 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज स्टूडियो की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 289 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।